कुछ दिनों पहले ही एक नया कानून आया जहां पर हड़कंप मच गया और चारों तरफ उसी की बात होने लग गई। जी हाँ, मैं कैब के बारे में बात कर रहा हूँ। और जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था, जिसे फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम से 2019 का ये प्रावधानित कानून बना दिया गया। अब उसके बाद हमारे जो गृह मंत्री जी हैं, उनका एक और बयान आया जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर्ड यानी NRC को पूरे देश में लागू किया जाएगा। क्या है NRC? क्या वापस जैसा नोटबंदी के समय में हुआ था, आप लाइन में कतारों में खड़े हो गए थे अपने बैंक से आपके खुद के पैसे निकालने के लिए, क्या वैसा ही कुछ NRC है? जानते हैं, पूरा विवरण आपको इस वीडियो के अंत तक जरूर मिलेगा। बने रहिए, समय थोड़ा ज़्यादा लग सकता है क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने की कोशिश, मेरा प्रयास रहेगा। नए हैं ऑनलाइन लीगल एडवाइस के साथ तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें। इसी प्रकार के जो लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं ऑनलाइन लीगल एडवाइस से, मुझसे आप तक पहुंचते रहेंगे इसी चैनल के माध्यम से। शुरू करते हैं और बात करते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बाद। अब ये तीसरा जो मेरा वीडियो है NRC के ऊपर है, जहां पर राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के बारे में बात करेंगे कि ये होता क्या है और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट, अगर ये लागू हो गया, क्योंकि गृह मंत्री जी का बयान है कि 2024 के पहले ही इसे पूरे देश में लागू करना है, तो अगर लागू हो गया तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट, कौन से दस्तावेज ऐसे हैं जिसे तैयार करके रखना पड़ेगा। तो राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर्ड यानी NRC का नाम पूरे भारत वर्ष में अब हर व्यक्ति के दिमाग में चल रहा है, आप लोगों के मन में गूंज रहा है ये, और इसी के बारे में हम लोग बात करते हैं कि आखिर आपको नागरिकता सिद्ध करने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। इस वीडियो में आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले कि आखिर NRC का मतलब क्या है, जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप है उसका मतलब क्या है। रेफरेंस ले लेते हैं हम लोग असम का, इस वजह से ले लेते हैं क्योंकि असम में यह पहले ही प्रावधानित कानून था और सुप्रीम कोर्ट की स्क्रूटनी और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद में NRC पूरे जो असम है उसमें लागू किया गया। तो असम का अगर रेफरेंस लें तो आप समझ जाएंगे कि अगर पूरे देश में NRC लागू हुआ, यानी जो नागरिकता रजिस्टर हो गया, राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर अगर पूरे देश में लागू हो गया तो उसका स्वरूप कैसे होगा और क्या दस्तावेज आपको लगेंगे। असम के रेफरेंस से मैं आपको बात कर रहा हूं। तो असम में NRC सबसे पहले 1951 में नागरिकों और उनके घरों, उनकी संपत्ति और अपने जो असम के नागरिक हैं उनकी सुरक्षा के लिए लाया गया था। राज्य में NRC को अपडेट करने के लिए 1975 में सबसे पहले जो आंदोलन छिड़ा था और आंदोलन के बाद असम स्टूडेंट यूनियन द्वारा ये आवाज उठाई गई थी, जहां पर आबादी टोटल जो असम की थी लगभग 33 मिलियन थी और उसके बाद पूरे राज्य में NRC करने का फैसला लिया गया। NRC की जो प्रक्रिया थी 2013 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शुरू हुई थी। अब ये बात करते हैं कि ये जो नागरिकता को लेकर के रजिस्टर बनाया गया था तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे असम में। असम का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि असम में NRC अपडेट करने का जो मूल उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि प्रदेश में विदेशी जो नागरिक आ रहे हैं, खासकर जो बांग्लादेश से आ रहे थे और उस पर काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे जो घुसपैठ करके आ रहे थे, बिना गवर्नमेंट की परमिशन या वीज़ा के आ रहे थे और गलत तरीके से आ रहे थे, असम के क्षेत्रों में बसते जा रहे थे और वो जो असम के लोग थे वहाँ की कहना चाहिए कि वहाँ के लोगों को परेशान करते थे, लूट पाट करते थे, चोरी डकैती जैसे गतिविधियों में लिप्त रहते थे और जो शरणागति वहाँ पे आते थे वहाँ की संस्कृति को भी वो ख़राब कर रहे थे। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए असम में एक रजिस्टर बनाया गया और इसी NRC रजिस्टर में अपडेट किया गया। तो अब इसके बारे में हम लोग ये समझ लेते हैं कि आखिर इसमें पूरा डेटा तैयार करने में कितनी लागत और क्या क्या सामना करना पड़ गया था। केवल हम लोग असम की बात कर रहे हैं तो सरकार ने NRC की जो प्रक्रिया थी लगभग 1200 करोड़ रुपए खर्च किए और जिसमें लगभग 55,000 जो सरकारी अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उन्हें लगाया गया और 64.4 मिलियन दस्तावेजों की कुल रूप से जांच हुई थी।
अब इसमें हम लोग बात करें कि सिटीजन कौन होगा, असम का सिटीजन कौन होगा। तो 25 मार्च 1971 से पहले असम में रहने वाला नागरिक माना जाएगा और इस प्रदेश में रहने वाले लोगों की सूची को दो भाग में विभाजित किया गया, सूची एक और सूची बी, ए और बी कैटेगरी में डिवाइड किया गया और उसी हिसाब से जो डॉक्यूमेंट थे वो सबमिट करने की बात आई। अब एनआरसी को कैसे अपडेट किया जाएगा इसके बारे में बात करते हैं। यदि कोई भी असम का नागरिक जो चयनित सूची ए या बी में आता है उसे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, तो उसे 25 मार्च 1971 के पहले जो भी राज्य में रहता था उसे अपने डॉक्यूमेंट सूची ए यानी लिस्ट ए में सबमिट करने पड़ेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट सूची ए में थे यानी लिस्ट ए में थे, शायद अगर एनआरसी पूरे देश में लागू हुआ तो आपको भी इसी प्रकार के कुछ डॉक्यूमेंट तैयार करके अपने आप को भारत का नागरिक साबित करने के लिए लग सकते हैं। तो जरूर ध्यान से सुनिए कि लिस्ट ए में क्या डॉक्यूमेंट आते हैं। सबसे पहले 25 मार्च 1971 तक का जो इलेक्टोरल रोल था, अगर आपका नाम, जो असम का रेफरेंस मैंने लिया, अगर आपका नाम था तो ये आप साबित कर सकेंगे, ये लिस्ट ए में आता है। इलेक्टोरल रोल के साथ में 1951 का एनआरसी और तीसरे नंबर पर किराया नामा या किराएदारी से संबंधित जो दस्तावेज है वो, चौथे नंबर पर नागरिकता प्रमाण पत्र, पांचवें नंबर पर स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, छठवें नंबर पर पासपोर्ट, सातवां बैंक या LIC से संबंधित कोई दस्तावेज, आठवां स्थायी अनिवासी प्रमाण पत्र जो होता है, नौवां जो शैक्षणिक प्रमाण पत्र होता है और दसवां अगर कोई शरणार्थी बन के आया, रिफ्यूजी बन के आया, तो उनका एक पंजीकरण होता है और प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो दसवें नंबर पर सूची ए में, लिस्ट ए में शरणार्थी पंजीकृत प्रमाण पत्र देना जरूरी था। अगर किसी के पास ये जो मैंने आपको 10 डॉक्यूमेंट की लिस्ट में से, जो सूची ए में से 10 डॉक्यूमेंट बताए, अगर वो नहीं है तो आप सूची बी को भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें आपका भूमि दस्तावेज यानी आपके लैंड से रिलेटेड डॉक्यूमेंट, क्योंकि तो पुराने पुराने आप तो साबित कर सकते हैं कि आपके अगर कोई पूर्वज थे, आपके दादा थे या आपके पिताजी थे, तो उनके नाम पर कोई डॉक्यूमेंट जो भूमि से संबंधित हो वो आप सूची बी में सबमिट कर सकते थे, लिस्ट बी में सबमिट कर सकते थे, जहां से आपका साबित हो जाता कि आप असम के मूल निवासी हैं। ऐसा ही कुछ दस्तावेज आपको भी रखना पड़ेगा जो आपके काम आएगा भारत का नागरिकता साबित करने के लिए। दूसरा, बोर्ड या विश्वविद्यालय का प्रमाण पत्र। यदि आपके पास बोर्ड या विश्वविद्यालय का प्रमाण पत्र है तो वो भी काम आएगा आपके सिटीजनशिप रजिस्टर में नाम दर्ज करने के लिए। तीसरा, बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज, इसके साथ ही चौथे नंबर पर बैंक, LIC या पोस्ट ऑफिस से संबंधित कोई रिकॉर्ड की डिटेल्स अगर आपके पास है तो वो भी आप सबमिट कर सकते हैं। राशन कार्ड है, मतदाता सूची में नाम है, कानूनी रूप से स्वीकार्य अन्य कोई दस्तावेज भी आप रख सकते हैं, तब आपको ये माना जाएगा कि आप उस पर्टिकुलर स्टेट के निवासी हैं। तो अगर ये पूरे देश में लागू होता है, एनआरसी की जो प्रक्रिया है वो पूरे देश में लागू होती है, तो जो मैंने आपको लिस्ट ए और बी के हिसाब से डॉक्यूमेंट बताए, तो कुल मिला के कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर दीजिए जो ये बता सके कि आप इस देश के या आपके पूर्वज इस देश के या आपके राज्य के निवासी थे, तो आपको सिटीजनशिप देने से कोई मना नहीं कर सकता। आप निश्चित रूप से सिटीजनशिप के दायरे में आ जाएंगे और आपको किसी तरीके की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं असम का, वापस से आ जाते हैं। और फिर से हम लोग बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि असम में जो अंतिम सूची बनी थी 31 अगस्त 2019 को फाइनल एक लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें टोटल 19,06,057 लोग शामिल नहीं किए गए थे। और इन्हीं लोगों को शामिल नहीं करने की वजह ये बताई गई थी कि इनके पास जो मैंने लिस्ट ए और लिस्ट बी में जो डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब किए, ये डॉक्यूमेंट्स में से कुछ भी नहीं थे। और लगभग 3.11 करोड़ जो टोटल लोग थे वो नागरिकता सूची में अंकित किए गए, नागरिकता सूची में लाए गए। अब इसके बाद में ये एक और बात सामने आती है कि जो इस लिस्ट में नहीं आएंगे, सपोज डेट मेरा या आपका एनआरसी के लिए नाम नहीं आया, हमारे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं थे, तो अब हमारे पास में क्या लीगल रेमेडीज अवेलेबल है, अब हम क्या करेंगे, क्या हमें किसी विदेश में भेज दिया जाएगा या हमारे साथ में क्या किया जाएगा या हमें जेल डाल दिया जाएगा, चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जिन लोगों का नाम असम का अगर रेफरेंस ले, जिन लोगों का नाम जो मैंने आपको बताया कि 19,06,000 समथिंग कुछ लोग थे जिनका उस लिस्ट में नाम नहीं आया था, तो उनके
पास में ये प्रावधानित किया गया कि अलग से एक ट्रिब्यूनल बनाया गया, विदेशी ट्रिब्यूनल बनाया गया। ट्रिब्यूनल का मतलब हम कोर्ट भी समझ सकते हैं। तो कोर्ट में वो अपील कर सकता था, 120 दिन का समय जो भी ट्रिब्यूनल था वहां पर 120 दिन का समय दिया गया कि आप 120 डेज के अंदर आप अपनी अपील कीजिए, और कोर्ट को अगर ऐसा लगता है, ट्रिब्यूनल को ऐसा लगता है, तो आपको नागरिकता दे सकेगा। इसके साथ ही अगर ट्रिब्यूनल के आदेश से भी आपको अगर कोई परेशानी है तो आप जाइए और आप हाई कोर्ट में उसकी अपील कर सकते हैं। तो अब एक और महत्वपूर्ण बात कि कितने लोगों को नजरबंद कर दिया गया या कैद में ले आया गया, तो काफी लोग जो इस सूची में नहीं आए थे, जैसा मैंने आपको बताया कि लगभग 19,06,000 लोग इस सूची में अपना नाम दर्ज नहीं करा पाए थे, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, उनको अपॉर्चुनिटी दी गई, लेकिन उसके बावजूद लगभग 1,17,164 व्यक्ति ऐसे थे जिनको गिरफ्तार नहीं किया गया, बजाय 1,145 लोगों के जिनको गिरफ्तार किया गया, क्योंकि वो बिल्कुल गलत तरीके से गवर्नमेंट की नजर में साबित हुए कि वो इलीगल तरीके से आए थे और गलत गतिविधियां कर रहे थे। लेकिन फिलहाल सरकार ने 1,17,000 लोगों को ट्रिब्यूनल में अपॉर्चुनिटी दी है और वो ट्रिब्यूनल में अपनी अपील कर रहे हैं। इसके साथ 19 लाख में से बचे 17.5 लाख का ब्यौरा फिलहाल मेरे पास नहीं है, तो मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसा मैंने आपको बताया कि असम की तर्ज पर जिस प्रकार से NRC का पूरा सिस्टम किया गया, वैसे यदि पूरे देश में होता है तो लिस्ट ए या लिस्ट बी के हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट तैयार रखने पड़ेंगे अगर आप NRC की लिस्ट में आना चाहते हैं, अगर आप किसी परेशानी को फेस नहीं करना चाहते हैं तो। मेरा तो ये मत है कि गवर्नमेंट जो कर रही है एक तरीके से ठीक भी है, क्योंकि हर एक देश का अपना खुद का एक सिटीजनशिप रजिस्टर होता है, जहां पर वो अपने जितने भी सिटीजन होते हैं उन सब का एक रजिस्ट्रेशन करके रखती है, उसी के हिसाब से सरकारी योजनाएं दी जाती हैं। क्योंकि कोई भी देश ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि इलीगल इमिग्रेंट्स आकर के तबाही मचाएं या देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा कारण बने, तो मैं तो इसके सपोर्ट में हूं। आपका क्या कहना है मुझे जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके साथ ही अगर आपके कुछ डाउट है NRC को लेकर के, जो कि होने तो वाला है, ये कंफर्म है, 2024 के पहले ही होगा ये भी कंफर्म है, तो आपके यदि कोई डाउट है तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स पे बताइए। मैंने आपको एक रेफरेंस दिया असम का, असम में हो चुका है, अब पूरे देश में होने वाला है। हमारे गृह मंत्री जी ने बता दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें बिल्कुल क्लियर है कि हम NRC करके रहेंगे। आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका मानना क्या है, NRC होना चाहिए या इसकी जरूरत नहीं है, आपका अपना मत क्या है मुझे जरूर बताइएगा। इसके साथ ही आप अगर मुझे आपकी पर्सनल प्रॉब्लम या किसी कानूनी सलाह के लिए बात करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, जिसके लिए आप अपॉइंटमेंट बुक करके मुझे बात कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, जहां से आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट मुझे बात करने के लिए कर सकते हैं। हमेशा की तरह दोबारा मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर नए हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इसी प्रकार की जो कानूनी जानकारी है आप तक पहुंचाने का मेरा प्रयास रहेगा। साथ ही साथ बने रहिए हमारे साथ, आपका कीमती और महत्वपूर्ण समय देने के लिए बहुत धन्यवाद।